नमस्कार दोस्तों, नेगी स्किल्स पे आपका स्वागत है। आज हम वाइंडिंग विभाग की बात करेंगे। जैसा कि नाम वाइंडिंग, वाइंडिंग माने लपेटना, तो आइए जानते हैं वाइंडिंग विभाग का काम क्या है। सबसे पहले इसका जो सबसे पहला काम है, रिंग फ्रेम से आई ये जो बोबिन है, छोटी छोटी बोबिन है, इन बोबिन के ऊपर 50 से 60 ग्राम धागा होता है। तो इस बोबिन को एक बड़े पैकेज के रूप में बदलना, बड़ा पैकेज, जैसा कि आप देख रहे हो कौन, इसे कौन भी कहा जाता है। इसमें लगभग 2.5 किलो के आसपास धागा होता है। तो पहला काम हो गया बड़ा पैकेज बनाना। उसके बाद जो दूसरा मुख्य काम है, रिंग फ्रेम से जो धागा आता है इसमें जो जो कमियां रह जाती हैं, जैसे कि थिक, थिन, नेप्स को बहुत सी कमियां हैं जो इस धागे के अंदर गेज की सहायता से वाइंडिंग मशीन में दूर की जाती हैं। तो आइए जानते हैं वाइंडिंग मशीन के बारे में। यह मशीन प्रोसेस कॉर्नर, जिसका मॉडल मोराटा 21C है, इसके पुर्जों की जानकारी लेते हैं। बालकोन सेंसर, धागा रिंग फ्रेम बोबिन से जब निकलता है तो वह काफ़ी तेज़ी से निकलता है। इसी दौरान धागे का जो फैलाव होता है या गुब्बारे की तरह जो धागा फैलता है, उसके फैलाव को बालकोन सेंसर कंट्रोल करता है। लोअर सेंसर, जो कि बोबिन से निकले धागे का सिरा सेंस करता है। ग्रिपर आर्म, यह धागे से निकले सिरे को स्प्लाइसिंग असेंबली तक लेकर जाता है। टेंशन असेंबली, यह धागे को तान के रखती है जिससे कि धागा कोन पर सही ढंग से लिपटता है। स्प्लाइसिंग असेंबली, यहाँ पर धागे को हवा के प्रेशर से जोड़ा जाता है और स्प्लाइसिंग के बाद धागे की जो ताकत है वह लगभग 80% रह जाती है। यहाँ पर प्रिज्म भी लगा हुआ है जो कि स्प्लाइसिंग में मदद करता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा वाइंडिंग विभाग का गेज, गेज की सहायता से रिंग फ्रेम से आई खराबियों को दूर किया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से NSTL के अलावा भी कई और फॉल्ट हैं जो कि काटे जाते हैं। वैक्स होल्डर, वैक्स प्लेट, वैक्स यानी मोम, जिसका ज़्यादातर प्रयोग होजरी के धागों के लिए किया जाता है। ब्रेकेज होने के बाद कौन से धागे का सिरा सेक्शन आर्म की सहायता से सप्लाइसिंग जोन में लेके जाया जाता है, जहां पर कि ग्रिपर आर्म नीचे से धागा लेकर आता है और सप्लाइसिंग की जाती है। यार्न ट्रेवर्स प्लेट, जो कि धागे को कौन से बाहर जाने से रोकती है। ड्रम, ड्रम के अंदर जो ये कट आप देख रहे हैं यह 2.5 या 3 होते हैं जो कि धागे को लिपटने में मदद करते हैं। डिफ्लेक्शन प्लेट या ड्रम कवर के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। एडोप्टर, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, जो कि कोन को पकड़ के रखते हैं। ओपनर आर्म या हैंडल, जिसकी सहायता से आप कोन को एडोप्टर से बाहर निकालते हैं। कोन मैगजीन या कोन स्टैंड, जहां पर कि खाली कोन रखे जाते हैं, डॉप भरने के बाद यहीं से खाली कोन डॉफर लेकर डॉप चेंज करता है। कन्वेयर बेल्ट्स, यह मशीन में 3 प्रकार से लगी हुई हैं। सबसे पहले फीड कन्वेयर, जो कि भरी बोबिनों को रिंग फ्रेम से वाइंडिंग में पहुंचाती हैं। उसके बाद एम्प्टी कन्वेयर बेल्ट, जो कि खाली हुई बोबिनों को रिंग फ्रेम में लेकर जाती हैं। और तीसरी जो है पैकेज कन्वेयर बेल्ट, जिसके ऊपर कि हमारा कोन तैयार होके आता है, जिसे डॉप रिसेट स्विच, डॉप की लेंथ रिसेट करने के लिए यह स्विच काम आता है। इसके अलावा ऑन ऑफ स्विच, जिससे कि ड्रम ऑन और ऑफ होता है। अब जानते हैं इस मशीन की कार्यविधि। तो सबसे पहले CBF यानी कंटिन्यूस बॉबिन फीडर, इसका काम रिंग फ्रेम से भरी हुई बॉबिनों को लगातार वाइंडिंग मशीन के ऊपर भेजना। रिंग फ्रेम से माल वाइंडिंग में जाता रहे, इसके लिए 4 अलग अलग तरह के सेंसर लगे हैं। पहला लीवर, जो कि बोबिन को धागा है या नहीं यह सेंस करेगा। दूसरा स्टॉपर, यह बोबिन को रोक के रखेगा। तीसरा सर्चर, जो कि बोबिन से धागा ढूंढेगा। और चौथा जो कि धागे को बोबिन के ऊपर लेकर आता है। यह दूसरी तरफ से आप तीसरा और चौथा सेंसर देख सकते हो। तीसरा सेंसर सर्चर, चौथा कॉप रोबो। CBF के ऊपर लगे स्विचों के बारे में जानकारी, यह स्विच जो कि कन्वेयर बेल्ट्स को बंद और चालू करता है। यह स्विच ऑटो से मैनुअल और मैनुअल से ऑटो पे मशीन, यानी रिंग फ्रेम से जो माल आना अगर बंद हो जाए तो इस स्विच की सहायता से हम मशीन को चालू रखते हैं। रिजेक्शन वाली बोबिन से धागे का सिरा निकाल कर
बाईपास के लिए पीला स्विच दबाएं। इसके अलावा लाल स्विच सीबीएफ बंद करने के लिए, हरा चालू करने के लिए, बड़ा वाला लाल इमरजेंसी स्विच। मशीन के ऊपर लगी यह दो बड़ी लाइटें, बड़े वाली लाल लाइट यदि ब्लिंकिंग करती है तो इसका मतलब सीबीएफ के द्वारा जो माल रिंग फ्रेम से वाइंडिंग में आता हुआ आना किसी न किसी कारण से बंद हो गया है। बड़ी वाली पीली लाइट ब्लिंकिंग करने पर मशीन में तीन या तीन से ज्यादा ड्रम बंद होते हैं, इसलिए कारीगर इन बातों का ध्यान रखें, कोई भी ड्रम 20 सेकंड से ज्यादा बंद ना हो, कोई भी कोण मिक्सअप ना चल रहा हो, लेवल चेक करें। अलग अलग तरह के चल रहे माल की पहचान के लिए अलग अलग डिजाइनों के कोणों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रिंग, हाफ मून, सॉलिड, स्टार, चेक, लाइन इत्यादि, जिससे कि माल मिक्सअप ना हो। गेज एवं मोम अवश्य चेक करें, काउंट के अनुसार चल रहे बोबिन का कलर चेक करें, मैनुअल डॉफिंग के समय एल एंड का अवश्य ध्यान रखें जो कि 5 से 6 राउंड होना चाहिए। अलार्म वाली बोबिन को निकालकर मशीन के साइड में बने बॉक्स में डाल दें। तो ये थी वाइंडिंग विभाग की जानकारी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।